नमस्कार। दिनभर की बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं दिव्या राय। बड़ी खबरों में बात करेंगे पाकिस्तान के दोगले रवैये की, जानेंगे बीजेपी सांसद स्वामी ने अपनी ही पार्टी को क्या दी नसीहत, तो सपा के बीजेपी पर आरोप के बारे में, साथ ही 2 साल के बाद कमबैक कर रहे यो हनी सिंह के बारे में। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। कुलभूषण जाधव के परिवार से पाकिस्तान ने की बदसलूकी, विदेश मंत्रालय ने खोली पाक की पोल, पत्नी का मंगलसूत्र और बालियां उतरवाई। लालू यादव के जेल जाने के बाद आरजेडी में मंथन, 6 जनवरी को होगी पार्टी की बड़ी बैठक, तेजस्वी बोले बीजेपी में जाते तो हो जाता भाईचारा। विजय रूपाणी के सिर सजा गुजरात के सीएम का ताज, नितिन पटेल बने डिप्टी सीएम, समारोह में शामिल होने आए नीतीश ने कहा 2019 में मिलकर बनाएंगे सरकार। अरविंद केजरीवाल ने बढ़ाए पानी के दाम, दिल्ली जल बोर्ड ने 20% बढ़ोतरी की दी मंजूरी, बीजेपी और कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 70 अंक चढ़कर 34,010 पर बंद, निफ्टी भी पहली बार 10,500 के पहुंचा पार। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। अब बात करेंगे आज की बड़ी खबर पर। पाकिस्तान ने 22 महीने बाद बेगुनाह कुलभूषण जाधव को उनके परिवार से मिलाकर वैश्विक मंच पर खुद की महानता का खूब ढिंढूरा पीटा, लेकिन हकीकत क्या है वो आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाक का झूठ बेपर्दा हो गया और ये भी साबित हो गया कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। एक माँ और एक पत्नी 22 महीने से बिछड़े कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए पाकिस्तान गई थी। इस्लामाबाद में इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान ने जो सुलूक उनके साथ किया वो वाकई शर्मनाक है। उस शर्मनाक हरकत की पोल विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज के जरिए खोली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कुलभूषण जाधव के परिजनों को पाकिस्तानी मीडिया और वहां के शासन के जरिए प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि जाधव की पत्नी से उनका मंगलसूत्र तक उतारने को कहा गया। आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान की 7 शर्मनाक हरकतें। पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के कपड़े बदलवाए गए। पाकिस्तान ने जाधव की पत्नी से मंगलसूत्र और बालियां भी उतरवा ली, यहां तक कि उनके जूते तक उतरवा लिए गए। कुलभूषण जाधव को उनके परिवार के साथ मराठी में बात भी नहीं करने दी गई। कुलभूषण के परिवार के पास पाकिस्तानी प्रेस को आने दिया गया, जो कि उन पर झूठे आरोप वाले सवाल दाग उन्हें परेशान कर रहे थे, जबकि दोनों देशों के बीच ये तय था कि मीडिया को पास आने नहीं दिया जाएगा। बैठक से पहले भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को मुलाकात से अलग रखा गया, जबकि ये पहले से ही तय था कि वो मौजूद रहेंगे। हालांकि भारतीय अधिकारियों के टोकने के बाद उन्हें शामिल होने दिया गया। मुलाकात की तस्वीरें बताती हैं कि जाधव काफी दबाव में थे, उनकी स्थिति चिंताजनक है, पाकिस्तान उन पर भारी दबाव बनाए हुए है। जाधव का धन्यवाद वाला वीडियो भी दबाव में बनवाया गया था। मुलाकात की तस्वीरें पहले ही जाधव और उनके परिवार के दुख को बयां कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो ढोंग रचा उससे आज साफ हो गया कि उसके जिगर में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। तभी तो पहले उसने शीशे की दीवार लगाकर माँ को गले न लगने दिया, पत्नी को आंसू न पोंछने दिए। ऐसी दुश्मनी भी किस काम की जो इंसानियत को ही मार दे, जो घर बुलाकर दूसरों के परिवार की फजीहत करे। डीवी लाइव की रिपोर्ट। तो भारत पाकिस्तान के बीच चल रही दुश्मनी तो जग जाहिर ही है, और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने जब भारत की तरफ आंख उठाई तो भारत सरकार ने नफरत का जवाब नफरत से देते हुए उनके 3 सैनिक मार गिराए और अपनी पीठ खूब थपथपाई। कभी निशाने पर भारत के जवान होते हैं तो कभी पाकिस्तान के, लेकिन सवाल उठता है कि नफरत की राजनीति में जवान शहीद हो रहे हैं और नेता अपनी ही राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। आखिर कब तक इस नफरत के सहारे नेता चमकाएंगे अपनी सियासत? सरहद पर शहीद हुए सैनिकों की शहादत को क्या जाने वो सरकारें जो संसद में बैठकर सिर्फ राजनीति करती हैं? क्या जाने वो नेता जो नफरत को मिटाने की बजाय एक सैनिक के बदले दूसरे देश के सैनिक को मार गिराने के दावे करते हैं? जी हाँ, देश में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन नेताओं की नीयत वैसी ही रही। हमने अपने एक सैनिक के बदले दुश्मन के इतने सैनिक मारे, नेता इसी बात की दुहाइयां देते हैं। आज भी मोदी सरकार पाक के 3 सैनिकों को मारकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमने इस नफरत की आग में अपने 4 सैनिकों को खोया है। 23 दिसंबर को पाकिस्तान की नापाक हरकत से 4 जवान शहीद हो गए। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए तो सरकार ने भी पाक के सैनिक मार गिराने के आदेश दे दिए, लेकिन आखिर कब तक एक के बदले 2 और 2 के बदले 4 की राजनीति चलती रहेगी? मोदी सरकार खुद को विदेश नीति का चाणक्य मानती है, तो क्यों नहीं रुकती सरहद पार ये फायरिंग? क्यों जवानों को देना पड़ रहा है बलिदान?
सवालों में गिरने के बावजूद सरकार की कार्रवाई पर भले ही मंत्री पीएम मोदी का गुणगान कर रहे हों, लेकिन विपक्ष ने तो एक बार फिर सवाल उठा दिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि अगर सूत्र सही हैं, तो बीजेपी सरकार अब इसे सर्जिकल स्ट्राइक अनाउंस करेगी। हालांकि फैक्ट ये है कि इस प्रकार की कार्रवाई 1998 से शुरू हुई थी। हमने किया, तुमने किया, ये राजनीति यूं ही चलती रहेगी। सच तो ये है कि जब तक दोनों मुल्कों में बदले की सियासत खत्म नहीं होगी, तब तक जवान देश की खातिर बलिदान देते रहेंगे। इसी नफरत का नतीजा है कि देश ने इस साल सैकड़ों बेटों को खो दिया और ये नफरत ना जाने और कितने बेगुनाहों का खून बहाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर पर। गुजरात में जब बीजेपी ने जीत का छक्का लगाया तो इसका इनाम मिला विजय रूपाणी को, और इनाम में विजय रूपाणी ने दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं नितिन पटेल ने भी डिप्टी सीएम के रूप में दूसरी बार शपथ ग्रहण किया। गांधीनगर में आज केंद्रीय नेतृत्व के सामने शपथ लेने के साथ ही विजय रूपाणी एक बार फिर गुजरात के सीएम बन गए हैं। रूपाणी ने दूसरी बार बतौर सीएम पद और गोपनीयता की शपथ ली। रूपाणी के बाद नितिन पटेल ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रूपाणी समेत कुल 20 विधायकों ने शपथ ग्रहण किया। इसमें से 6 मंत्री पाटीदार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वहीं शपथ ग्रहण में बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। गांधीनगर में आयोजित इस शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के सीएम मौजूद थे। इसके अलावा कभी राजनीतिक तौर पर पीएम मोदी के विरोधी माने जाने वाले केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला भी मंच पर नजर आए। आपको बता दें कि गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 99 सीट हासिल की है। इस चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस ने कड़ा मुकाबला दिया, जिससे बीजेपी इस बार गुजरात में पिछले 22 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। वहीं गुजरात की कमान रूपाणी के हाथों में आने के बाद उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है, जहां उन्हें 2019 के आम चुनाव के लिए गुजरात में बीजेपी को और मजबूत करना होगा, वहीं पाटीदारों को पटाने की भी चुनौती होगी। लेकिन इन सबसे पहले गुजरात में ताकतवर बनकर उभरे विपक्ष से निपटना होगा। डिबिलाइफ रिपोर्ट। तो गुजरात में भले ही बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई हो, लेकिन इस बार उसकी राह आसान नहीं है, क्योंकि मजबूत विपक्ष के साथ ही पाटीदार नेता हार्दिक पटेल का बीजेपी पर फूटा ज्वालामुखी अभी शांत नहीं हुआ है और एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। लेकिन इस बार उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। पहला वार बीजेपी की वृत्त संस्था आरएसएस पर और दूसरा बीजेपी के बागी सुब्रमण्यम स्वामी पर। गुजरात में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद पर जोरदार हमला बोला। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हिंदूवादी संगठन के प्रमुख पर कभी आतंकी हमला नहीं हुआ, लेकिन आतंकी आए दिन निर्दोष लोगों पर हमला करते हैं। हार्दिक ने संघ पर मुस्लिमों और आतंकवाद के नाम पर हिंदुओं और पाटीदारों को डराने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद नेता प्रवीण तोगड़िया और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि तोगड़िया और स्वामी के बच्चे कहाँ हैं? उनके बच्चों को क्या कभी सड़कों पर हिंदुत्ववादी आंदोलन में देखा है? राम मंदिर पर आंदोलन करने वालों के बच्चे कभी हाथ में भगवा लेकर सड़कों पर क्यों नहीं दिखते? हिंदुत्व के नाम पर पुलिस के डंडे और गोली खाने के लिए आम युवक ही नजर आता है, लेकिन गंदी राजनीति करने वाले इन नेताओं के बच्चे विदेशों में आराम करते हैं। हार्दिक यही चुप नहीं रहे, उन्होंने कहा कि युवाओं को बुद्धि का प्रयोग कर जहर वाली ऐसी विचारधारा से बचना चाहिए। यह पहला मौका है जब हार्दिक पटेल ने बीजेपी के साथ साथ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने 30 दिसंबर को पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें नई कोर कमेटी का गठन होगा। तो देखना होगा कि इस गठन के बाद हार्दिक के हमले बीजेपी पर और कितने तेज होते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो भले ही हार्दिक पटेल बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पर हमलावर हैं, लेकिन कई बार स्वामी अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत बन जाते हैं और एक बार फिर उन्होंने एक नया बयान देकर विवाद को जन्म दिया है। इस बार स्वामी ने भाजपा के सभी मंत्रियों को कोट पैंट नहीं पहनने की सलाह दी है, क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा थोपा गया यह ड्रेस गुलामी का प्रतीक है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का वादा तो करते हैं, लेकिन विदेशों के सूट बूट पहनकर खुद ही उस पर पलीता लगा लेते हैं, जबकि उन्हें भारतीय परिधान पहनने चाहिए। स्वामी ने ट्विटर पर लिखा कि पश्चिमी परिधान थोपी हुई विदेशी गुलामी का प्रतीक है। बीजेपी को चाहिए कि वो अपने मंत्रियों के लिए एक अनुशासन बनाए, जिसके तहत सभी मंत्री भारतीय जलवायु के अनुकूल ही देशी वस्त्र पहने। कपड़े पहनने की नसीहत देने के साथ साथ बीजेपी के लिए गले की हड्डी बने सुब्रमण्यम स्वामी ने नेताओं को एक और सलाह दी है।
उन्होंने लिखा कि संविधान की धारा 49 शराब पर प्रतिबंध की बात करता है, हालांकि मैं इसके दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ हूँ। बीजेपी को चाहिए कि वो इसे भी अनुशासन के तहत शामिल करे। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब स्वामी ने भारतीय संस्कृति और देशी परिधान की वकालत की हो। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साधा था और कहा था कि जब वो विदेशी दौरों पर हों तो कोट पैंट छोड़कर देशी कपड़े ही पहने। अब स्वामी ने अपनी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्हें रहन सहन बदलने की सलाह तो दे दी है, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी नेता स्वामी की सलाह को मानते हैं या नहीं। डीबीलाइव की रिपोर्ट। तो एक तरफ बीजेपी अपनों के ही निशाने पर है, वहीं 25 दिसंबर को पीएम मोदी के द्वारा किए गए मेट्रो उद्घाटन पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल को आमंत्रित नहीं करने को लेकर राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा थी और आम आदमी पार्टी ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। वहीं अब यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी इसमें कूद पड़े हैं और उन्होंने उद्घाटन को लेकर पीएम और सीएम पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर दूसरे की योजनाओं को अपना नाम देकर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया है। सपा ने दावा किया है कि जिस मेट्रो रेल सेवा का पीएम ने उद्घाटन किया उसे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 15 दिसंबर 2016 को ही कर दिया था। इसी बात को लेकर आज अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि अब इस नए राज्य में चला नए दोहों का दौर, काम किसी और का फीता काटे कोई और। इससे पहले सपा के ही राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार का यह रवैया नया नहीं है। लखनऊ में भी जब मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया था तब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम भी नहीं लिया गया। ऐसे ही गोरखपुर में एम्स के लिए सपा सरकार ने मुफ्त जमीन दी थी, उसके शिलान्यास के मौके पर भी भाजपा सरकार ने न तो पूर्व सीएम का नाम लिया और न ही उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आकर दंभ में डूब गई है, यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। डीबीलाइव की रिपोर्ट। और अब बुलेटिन के आखिर में बात युवा दिलों की धड़कन योयो हनी सिंह की। जी हां, उनके प्रशंसकों के लिए खुशी की खबर है क्योंकि योयो ने लंबे समय के बाद एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में वापसी की है। फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी में अपने एक गाने से 2 साल बाद हनी सिंह धमाल मचाने को तैयार हैं। लंबी बीमारी के बाद योयो हनी सिंह ने एक बार फिर वापसी कर ली है। फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी में हनी सिंह के गाने दिल चोरी साडा हो गया रिलीज हो गया है। हंसराज हंस के गाए इस गाने को हनी सिंह ने फ्यूजन में रीमेक किया है। इसके अलावा इसमें भांगड़ा का तड़का भी लगाया है। 3 मिनट के इस गाने की शुरुआत हनी सिंह के सिग्नेचर ट्यून योयो हनी सिंह से होती है। इस गाने के लिरिक्स और म्यूजिक दोनों ही हनी सिंह ने दिए हैं। इस गाने के बारे में हनी सिंह ने कहा कि अपने फैंस के सामने नया गीत पेश करते हुए मैं बहुत खुश हूँ। मैंने हमेशा हंसराज हंस जी के काम की सराहना की है और उनके गीत को हिंदी लिरिक्स के साथ एक भांगड़ा का रूप देना काफी मजेदार रहा। सोनू के टीटू की स्वीटी लव रंजन के द्वारा लिखी और निर्देशित फिल्म है। टी सीरीज के भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और लव फिल्म्स के लव रंजन और अंकुर गर्ग द्वारा निर्मित यह फिल्म 9 फरवरी 2018 को रिलीज होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।